हेलो स्टूडेंट, इरिगेशन की आज की क्लास में हम बात करेंगे कैनाल हेडवर्क्स के बारे में। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैनाल हेडवर्क्स क्या होते हैं और वो क्यों बनाए जाते हैं, तथा इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायवर्जन हेडवर्क्स के बारे में कि डायवर्जन हेडवर्क्स क्या होते हैं और किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम डायवर्जन हेडवर्क्स का निर्माण करते हैं। और इस लेक्चर में हम जानेंगे कि डायवर्जन हेडवर्क्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए कि कैनाल हेडवर्क्स क्या है या फिर डायवर्जन हेडवर्क्स के जो डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं उन चीज़ों को समझने के लिए हमने यहाँ पर 3D इमेज बनाई हुई है डायवर्जन हेडवर्क्स की, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इन अलग अलग पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि कैनाल हेडवर्क्स या डायवर्जन हेडवर्क्स को समझने के लिए अगर इस इमेज को हम एक बार अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो कैनाल हेडवर्क्स से रिलेटेड और डायवर्जन हेडवर्क्स के जितने भी पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं और लंबे समय तक आपको ये चीज़ें मेमोरेबल भी रहेंगी, याद भी रहेंगी और आप आसानी से इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कैनाल हेडवर्क्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें, इस डायग्राम को आप एक बार देखिए, इस डायग्राम में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, क्योंकि हर चीज़ को अगर हम देखें डायग्राम से रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके समझ में आएगा। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रिवर और ये हमारी अपस्ट्रीम है और यहाँ पर हमारी रिवर है, ये डाउनस्ट्रीम है। इसका मतलब कि हमारी रिवर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ हमारा हो रहा है। और जो डॉट डॉट ब्लू कलर के जो साइन है और जो एरो के साइन है ये इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्लो की डायरेक्शन हमारी किस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से है, यानी हमारा फ्लो किस तरह से आ रहा है, यहाँ से लेके इस तरफ हमारा पानी का फ्लो हो रहा है। अब अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है नदी के अक्रॉस, तो कैनाल हेडवर्क्स क्या होते हैं, यहीं से हमें एक डेफिनेशन मिल सकती है। क्या देखें कि कैनाल हेडवर्क्स की अगर हम बात करें तो रिवर का वाटर अगर हमें कैनाल में डाइवर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, रिवर के आर पार यानी अक्रॉस द रिवर हम एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसी स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, कैनाल हेडवर्क्स कहते हैं। यानी अब इस डायग्राम में आप देखें कि नदी के आर पार यानी अक्रॉस द रिवर हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर का निर्माण किया है। और इस स्ट्रक्चर निर्माण हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नदी का पानी हमें कहां ट्रांसफर करना है, ये हमारा कैनाल है। तो नदी का पानी हम कहां ट्रांसफर करना चाहते हैं, कैनाल में ट्रांसफर करना चाहते हैं, नहर में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा, हमें एक निर्माण करना होगा और वही हमारा कंस्ट्रक्शन, वही हमारा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, कैनाल हेडवर्क्स के नाम से जाना जाता है। तो अब कैनाल हेडवर्क्स तो हमने समझ लिया कि हम रिवर का वाटर अगर हम कैनाल में डाइवर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए नदी के आर पार अक्रॉस द रिवर जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैनाल हेडवर्क्स कहते हैं। अब देखें कैनाल हेडवर्क्स की अगर बात करें तो ये हमारा दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरी है देखें, सबसे पहले हमारा है डायवर्जन हेडवर्क्स। अब डायवर्जन हेडवर्क्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि डायवर्जन हेडवर्क्स वही है ऐसे कार्य, ऐसे नदी पर किए गए जो हमारे स्ट्रक्चर्स जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नदी के रिवर के पानी को कैनाल में डाइवर्ट कर सकते हैं। पर कैसे, तो डायवर्जन हेडवर्क्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये दीवार लगी हुई है और इन दीवारों के थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर लेवल को इंक्रीज कर लेते हैं, यानी वाटर लेवल को हम रेज कर लेते हैं। तो जब वाटर लेवल हमारा ऊँचा हो जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिर हम अपना जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी का वाटर है वो कहाँ डाइवर्ट कर देते हैं, कैनाल। तो उसके लिए जो हमारा कंस्ट्रक्शन किया गया है वही हमारा क्या कहलाता है, डायवर्जन हेडवर्क्स कहलाता है। अब आगे देखें, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि डायवर्जन हेडवर्क्स के द्वारा रिवर में वाटर लेवल को क्या कर देते हैं, को इंक्रीज कर देते हैं, रेज यानी ऊंचा कर लेते हैं, जो और आवश्यकता अनुसार वाटर की क्वांटिटी को हम कैनाल में डाइवर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हमारा जो वाटर जो वर्क है वो क्या कहलाता है, हमारा डायवर्जन हेडवर्क्स कहलाता है। यानी हमारा क्या है, कैनाल हेडवर्क्स का ही एक पार्ट है हमारा डायवर्जन हेडवर्क्स। ये क्या काम कर रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं हम नदी के आर पार अक्रॉस द रिवर, जिससे हम क्या कर रहे हैं, रिवर के वाटर को हम कैनाल में डाइवर्ट कर रहे हैं। अब देखें दूसरा हमारा इसमें कौन सा है, दूसरा हमारा स्टोरेज हेडवर्क्स। स्टोरेज हेडवर्क्स की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, नदी के आर पार हम क्या करते हैं, किसी डैम का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जिसमें पानी को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर लेते हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम स्टोरेज हेडवर्क्स पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ किस पर, डायवर्जन हेडवर्क्स पर। तो इसी को आगे और समझते हैं। अब आगे लिखा हुआ है वेरियस पर्पज ऑफ डायवर्जन हेडवर्क्स, यानी हमने कैनाल हेडवर्क समझा कि कैनाल हेडवर्क्स क्या है, फिर डायवर्जन हेडवर्क्स समझा कि क्या चीज़ है। उसके बाद अगर हम देखें किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम डायवर्जन हेडवर्क्स को बना रहे हैं, यानी हम डायवर्जन हेडवर्क्स का काम क्या है, ये काम क्या करते हैं, तो उसके लिए अगर हम डायवर्जन हेडवर्क से वेरियस पर्पस समझना चाहते हैं, विभिन्न उद्देश्य समझना चाहते हैं, तो अगर हम इन सभी पार्ट्स के जो भी हमारे
कैनाल हेडवर्क्स में या डायवर्जन हेडवर्क्स में जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं, अगर इन सभी पार्ट्स के वर्क समझ लें तो इसके उद्देश्य भी हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं आप सबसे पहले कि डिफरेंट टाइप जो हमारे जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डायवर्जन हेडवर्क्स में हमें कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलते हैं। अब देखें यहाँ पर हम समझते हैं इसको कि रिवर का वाटर हमारा इस डायरेक्शन फ्लो होता हुआ आ रहा है। अब आते ही क्या हुआ, पानी हमारा सब दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। कौन सी, ये डिवाइड वॉल। यानी डिवाइड वॉल क्या है, डिवाइड वॉल हमारी क्या करती है, देखिए इनके बारे में हम जो डिटेल्ड कंटेंट वाली क्लास बनाएंगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायवर्जन हेडवर्क्स के जो डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं उनको सिर्फ हम इंट्रोडक्शन के तौर पर हम समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं इस डायग्राम को बनाया कैसे गया, इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई, आपकी आपके दिमाग में क्लियर इमेज हो जाए कि इस डायग्राम से हमें समझ क्या आ रहा है। तो उस के बाद हम इसकी जो डिटेल क्लास बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे सभी पार्ट्स के डिटेल कंटेंट के साथ। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि इसके पार्ट्स और उसके डिफरेंट टाइप के जनरल इंट्रोडक्शन की तरह आप इस क्लास को देखेंगे। तो अब देखें डिवाइड वॉल की अगर आप बात करें, डिवाइड वॉल क्या काम कर रही है, जैसे ही हमारा रिवर का वाटर आएगा और रिवर का वाटर आएगा तो ये डिवाइड वॉल क्या करेगी, इस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। अब दो पार्ट में डिवाइड करेगी, एक वाटर हमारा इस डायरेक्शन में यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे देखें, ये जो दीवार लगी हुई है ब्लू कलर की, इस दीवार को अगर हम बात करें इस दीवार की, तो इसे कहते हैं बियर या बैराज। अगर उसमें हमारे ये गेट लगे हुए हैं ब्लैक कलर के, क्या हैं हमारे गेट हैं, ब्लू कलर की दीवार में जो आपको ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं यहां पर, ये क्या है, हमारे गेट लगे हुए हैं और इसीलिए इसको क्या बोला गया है, बैराज। अगर गेट नहीं होते तो हम क्या बोलते हैं इसको, बियर। यानी ये बियर भी हो सकता है, गेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, नहीं है तो वो बियर है और गेट है तो वो बैराज है। तो ये क्या करता है, ये जो दीवार, ये जो दीवार है वो क्या काम करेगी, वो इस वाटर को, जो हमारा रिवर का वाटर आ रहा है उस वाटर को स्टॉप करके और वाटर लेवल को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। यानी यहां पर भी एक दीवार लगी हुई है तो इस दीवार को हमने क्या बोला हुआ, बियर या बैराज। अब आगे देखें, इस दीवार के यहां पर हमारी क्या है, डिवाइड वॉल है। अब पानी जो आ रहा है वो यहां पर रुक जाएगा और डिवाइड वॉल क्या कर रही है, पानी को, यानी जो वाटर आ रहा है वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक तो वाटर हमारा इधर स्टोर होगा, इधर आके रुक जाएगा, और दूसरा वाटर हमारा इधर आके रुकेगा। अब देखें डाउनस्ट्रीम में, अगर ये हमारे गेट खोल दिए जाएंगे तो डाउनस्ट्रीम में लगातार पानी हमारा कंटिन्यू रिवर में फ्लो बना रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें डिवाइड वॉल की, ये तो आपको समझ में आ गया कि बियर या बैराज क्या चीज़ है। तो बियर या बैराज हमारी ब्लू कलर की जो दीवार है आपको दिखाई दी, क्या है हमारी, बियर या बैराज है। तो बियर होगी तो हमारे गेट नहीं होंगे और बैराज होगी तो हमारे गेट उसमें अवेलेबल होंगे। अब गेट के ऑपरेट के द्वारा गेट को हम ऑपरेट करते हैं, उनको ऊपर या नीचे उठाते हैं और क्या करते हैं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी को डाउनस्ट्रीम में हम आगे फ्लो करवाते रहते हैं। अब अगर आगे बात करें इस डिवाइड वॉल की, तो डिवाइड वॉल हमारे क्या कर रही है, वाटर को दो पार्ट में हमारे डिवाइड कर रही है, यानी सेपरेट कर रही है वाटर को, एक तो इस जोन में और एक इस जोन में। अब यहां क्या होगा उसको हमें समझना होगा। तो देखिए हम समझ गए, एक तो बियर या बैराज और दूसरा हमने डिवाइड वॉल के बारे में डिस्कस कर लिया कि डिवाइड वॉल क्या काम करती है। उसके बारे में अगर आप आगे बात करें तो यहां पर भी हमारी क्या एक वॉल लगी हुई है जो कर रही है, इस वाटर को रोकने का काम यहां पर कर रही है। अब देखें यहां पर भी हमारी एक बॉल है, यहां पर हमारी डिवाइड बॉल है, वाटर आ जाएगा यहां पर रोकने लगेगा। अब यहां पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो ब्लू कलर की देख रहे हैं और यहां पर भी एक गेट लगा हुआ, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कैनाल हेड रेगुलेटर। अब हमें यह समझना है कि कैनाल हेड रेगुलेटर काम क्या करता है। तो देखें कैनाल में रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जो जितनी हमारी कैनाल में जो वाटर का कंट्रोल करता है वो हमारा क्या करता है, ये कैनाल हेड रेगुलेटर। तो कैनाल हेड रेगुलेटर डायवर्जन हेडवर्क्स के ऐसा पार्ट, ऐसे पार्ट होते हैं जो कैनाल में जाने वाले पानी की जो क्वांटिटी है उस पर क्या रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, हम कैनाल हेड रेगुलेटर कहते हैं। तो आप देखें यहां से जो अगर हम इसको ओपन कर देंगे तो हमारा क्या होगा, पानी, इस रिवर का पानी हमारा कहां डाइवर्ट होने लगेगा, कैनाल में डाइवर्ट होने लगेगा। तो कैनाल हेड रेगुलेटर क्या है, डायवर्जन हेडवर्क्स के ऐसे पार्ट जो रिवर, जो कैनाल में, नहर में जाने वाले पानी की मात्रा पर कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैनाल हेड रेगुलेटर कहते हैं। अब अगर ये बंद है, आगे हमारा ये भी एक वॉल लगी हुई है, यहां पर भी वॉल है, तो जैसे ही पानी यहां आएगा वो पानी क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप हो जाएगा, यानी शांत अवस्था में हो जाएगा। और जैसे ही हमारा यहाँ पर एक वाटर पॉकेट बन जाएगा, एक शांत अवस्था में हमारा यहाँ पर जल आ जाएगा, यानी पानी या वाटर आ जाएगा, तब होगा क्या, जो नहर में हमारी जो सिल्ट है वो सिल्ट क्या होगी, धीरे धीरे कम वेलोसिटी हो, भाई जब पानी शांत हो जाएगा तो वेलोसिटी बहुत ही कम हो जाएगी और पानी सिल्ट क्या होगी, धीरे धीरे सेडिमेंट होने लग जाएगी, तली पर बैठने लगेगी। अब उससे हमें बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा, हम ये चाहते हैं कि जो नदी में हमारी सिल्ट फ्लो होते हुए आ रही है वो सिल्ट हमारी कैनाल में ना जाए।
तो अब कैनाल में सिल्ट नहीं जाएगी, तो उससे हमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि कैनाल की जो हमारी डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो हमारी उतनी ही बनी रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर सिल्ट हमारी नहर में जाती आएगी तो जमती चली जाएगी, कैनाल की हमारी डिस्चार्ज यानी कैनाल का सेक्शन हमारा छोटा होता चला जाएगा और कैनाल की डिस्चार्ज कैपेसिटी यानी जो उसको पानी ले जाने की क्षमता वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए जरूरी है कि रिवर में जो सिल्ट है वो यहीं पर हमारी कैनाल में ना जाए आगे। तो इसका जो काम करता है यानी कि नहर में सिल्ट जाने से जो हमारा पार्ट है डायवर्जन हेडवर्क्स का, ऐसा कौन सा पार्ट है जो नहर में सिल्ट जाने से रोकता है, वो कौन सा पार्ट हमारा सिल्ट एक्सक्लूडर है। तो अब देखें हमने यहां पर कितने पार्ट डिस्कस कर लिए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया बियर या बैराज क्या है। मैंने आपको बताया बियर या बैराज हमारी क्या है, रिवर के अक्रॉस यानी रिवर के आर पार एक बनाई गई हमारी दीवार है फ्लो की डायरेक्शन के, यहाँ पर आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर यहाँ पर बनी हुई है, और जो क्या करती है यानी अगर गेट है उसमें तो वियर है, गेट नहीं है तो उसमें वियर है, और अगर गेट है तो क्या है हमारा बैराज है। दूसरा इससे लगी हुई हमारी यहाँ पर एक डिवाइड बॉल है, डिवाइड बॉल का काम क्या है, आप जनरली हम ये कह सकते हैं कि डिवाइड बॉल जो वाटर हमारा रिवर का फ्लो होते हुए आ रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, और यहाँ पर हमारा जल कैसा हो जाए शांत अवस्था में रहेगा यानी वाटर पॉकेट का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक दीवार है और यहां पर हमारा कैनाल हेड रेगुलेटर लगा है जो कि पानी यहां पर बंद मान लीजिए इसे, तो पानी हमारा कैसा हो जाएगा बहुत ही कम स्पीड में यानी कि एकदम वेलोसिटी उसी कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा हमारा सिल्ट तली पर बैठने लगेगी, और सिल्ट अगर तली पर हमारी बैठने लगेगी तो उस केस में हम ये कहेंगे कि जो सिल्ट है वो हमारे कैनाल में नहीं जाएगी, और उसको जाने से रोकने के लिए यहाँ पर क्या बनाए गए हैं सिल्ट एक्सक्लूडर लगाए गए हैं। ये क्या है हमारी टनल्स हैं, आप देखें ये हमारे क्या है टनल्स हैं जिनमें हमारी धीरे धीरे सिल्ट जमा होती रहती है। तो हमने समझा कि बियर या बैराज, डिवाइड वॉल के बारे में और सिल्ट एक्सक्लूडर, अब उसके बाद हमने समझा कैनाल हेड रेगुलेटर के बारे में। आगे अगर देखें इस दीवार की अगर बात करें तो उसके नीचे बॉटम में देखें यहाँ पर भी हमने कुछ पार्ट्स दिखाए हुए हैं। ये क्या है हमारे, इसको हम कहते हैं अंडर सुलिस और इसको स्कोरिंग सुलिस के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इनका वर्क क्या है, तो देखो जब हम पानी को जब वाटर हमारा आगे आ जाएगा और यहाँ पर हमारा एक वाटर पॉकेट का निर्माण हो जाएगा, जब पानी शांत अवस्था में होगा तो सिल्टिंग होने लग जाएगी यानी सिल्ट हमारी जो रिवर की सिल्ट है वो यहाँ पर बैठने लग जाएगी। तो इस सिल्ट को जो हमारी सिल्ट यहाँ जमा हो गई है उस सिल्ट को बाहर निकालने के लिए यानी रिवर में निकालने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं जो पार्ट हमारा डायवर्जन हेडवर्क का यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं अंडर सुलिस। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि डायवर्जन हेडवर्क्स में अंडर सुलिस या स्कोरिंग सुलिस ऐसे पार्ट होते हैं जो हमारी जमी हुई सिल्ट को क्या करते हैं बाहर निकालने का यानी डाउन स्ट्रीम में निकालने का काम करते हैं। तो ये हो गई बात हमारी डिफरेंट टाइप के पार्ट्स के बारे में। अब आप देखें और पार्ट्स की अगर बात करें तो देखो जो पार्ट्स हैं यही इसके हमारे वेरियस पर्पस हो जाएंगे कि हम कैनाल हेडवर्क्स में जो हमारे कैनाल हेडवर्क्स या डायवर्जन हेडवर्क्स में हम आखिर इनका निर्माण क्यों कर रहे हैं। तो अलग अलग वर्क हैं, डिवाइड वॉल वाटर सेपरेट करने के लिए, वाटर पॉकेट बनाने के लिए, आगे कैनाल हेड पर जो हमारा वाटर पॉकेट बनाने के लिए डिवाइड वॉल यूज कर रहे हैं, दूसरा हम सिल्ट को निकालने के सिल्ट को नहर में ना जाए उसके लिए सिल्ट एक्सक्लूडर यूज कर रहे हैं, सिल्ट जो जम गई है उसको बाहर निकालने के अंडर सुलिस यूज कर रहे हैं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में बाहर पानी भेजने के लिए बैराज यूज कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम में निकालने के लिए, कंट्रोल यहाँ से भी हो रहा है हमारा कैनाल हेड रेगुलेटर क्या काम कर रहा है कैनाल में जाने वाले पानी की जो मात्रा है जो वाटर क्वांटिटी है जो कैनाल में भेजी जाएगी उस पर कंट्रोल रख रहा है। तो हमारे क्या है अलग अलग टाइप के हमारे पर्पज हैं किसके डायवर्जन हैंडवर्क्स के। अब अगर आगे बात करें कि इस ग्रीन कलर की जो वॉल आपको जो स्ट्रेट वॉल दिखाई दे रही है यहाँ पर इस दीवार के बगल में आप देखें यहाँ पर एक ग्रीन कलर का भी एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं फिश लैडर। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ फिश लैडर लिखा हुआ है। अब ये क्या काम करते हैं देखें जो हमारी मछली है जो फिशेज हैं वो डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में जाने के लिए किसका यूज करते हैं फिश लैडर के द्वारा वो पहुंच सकते हैं। अब कैसे जरूरत पड़ी उन्हें आखिर क्यों हम डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में जाना चाहिए इनके लिए तो हम एक डिटेल लेक्चर बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे फिश लैडर के बारे में। तो देखो ये हमारी थी हमने अलग अलग टाइप्स के पार्ट्स के बारे में बात की यहाँ पर हमने। अब देखें यहाँ पर आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको ये डॉट 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 दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है एक एम्बैगमेंट यानी कि हमारे बैंक सॉइल बैंक को दिखाई दे रहा है और इसके बाद हमारी जो ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है एक कैनाल है और इस कैनाल में आप देख रहे हैं कि जो ये रेड कलर की जो लगातार लाइन है ये हमारी क्या है ट्रेपेजॉइडल शेप को दिखाई दे रही है जब हम इस तरीके से इसको देख रहे हैं तब। अब आगे देखें जरा इसमें यहां पर दिखाई दे रहा है आपको गाइड बैंक और मार्जिनल बंद। तो देखिए अब ये गाइड बैंक क्या है
हम एज ए डाइवर्जन हेडवर्क्स में एज ए रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कौन से होते हैं जो रिवर को ट्रेन करते हैं, यानी आप ऐसे समझ लें कि जो ट्रेनिंग का वर्क होता है, ट्रेनिंग का वर्क मतलब क्या है कि आपको वर्क किस तरीके से करना है, तो रिवर को, रिवर की जो फ्लो डायरेक्शन है उसको ट्रेन करने के लिए हम रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की तरह यूज़ करते हैं गाइड बैंक्स को। तो देखें गाइड बैंक्स यानी हमारे जो मिट्टी के हमारे जो गाइड बैंक्स यहाँ बने हुए हैं, तो इसी तरह से हमारा वाटर फ्लो होता हुआ यहाँ पर हमें ये भी हमारे क्या है गाइड बैंक्स और मार्जिनल बंद लगे हुए हैं, तो पानी क्या है फ्लो होता हुआ इस डायरेक्शन इस तरीके से आ रहा है और इस हम डायवर्जन हेडवर्क्स तक पानी को लेकर आए हैं, किसको, रिवर के पानी को। तो हम ये कहेंगे गाइड बैंक्स या मार्जिनल बंद कौन से रिवर ट्रेनिंग वर्क की तरह यूज करते हैं, यानी ये ऐसे हमारे बैंक हैं जो क्या काम करते हैं रिवर के वाटर को ट्रेन करके आगे की तरफ लेकर आते हैं कैनाल हेडवर्क्स तक। तो ये थे हमारे सारे पार्ट्स के बारे में। तो अगर डिफरेंट टाइप के पार्ट्स के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो सबसे पहले हमने किसको पढ़ा, हमने पढ़ा डिवाइड बॉल के बारे में। तो देखें पहला पार्ट हो गया हमारा डिवाइड बॉल और इसके हमने वर्क के बारे में जाना। दूसरा पार्ट हमारा क्या हो गया बियर या बैराज, बियर और बैराज हो गया। उसके बाद अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट हमारा क्या था फिश लैडर, फिश लैडर हो गई, हमारे डिफरेंट टाइप के पार्ट्स यही हमारे पार्ट्स हैं। और आगे बात करें तो सिल्ट एक्सक्लूडर, यानी सिल्ट को क्या काम करती है ये कैनाल में जाने से रोकती है, सिल्ट एक्सक्लूडर। नेक्स्ट पार्ट करें तो हमारा कौन सा अंडर स्लुइस, अंडर स्लुइस हमारा नेक्स्ट पार्ट हो गया, या इसको हम कहते हैं स्कोरिंग स्लुइस भी, इसको इसी नाम से जानते हैं। और कौन से पार्ट्स हमारे गाइड बैंक्स और गाइड बैंक, गाइड बैंक एंड मार्जिनल बंद, ये हमारे पार्ट्स हो गए। कैनाल हेड रेगुलेटर, कैनाल हेड रेगुलेटर भी हमारा क्या है कैनाल हेड रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर। अब देखें इतने हमारे सारे पार्ट्स हो गए किसके, ये हमारा पूरा एक जो डायग्राम है यहाँ पर हमने 3D इमेज दिखाई, लंबाई चौड़ाई आपको सब दिखाई दे रही है यहाँ पर ऊंचाई तक, कि हमारी जो वर्टिकल जो ब्लू कलर की वॉल वर्टिकल खड़ी हुई है, या रेड कलर की वॉल वर्टिकल खड़ी हुई है, ये भी हमारी ब्लू कलर की वॉल, ये हमारे जो फाटक स्टेट आपको दिखाई दे रहे हैं, कैनाल हमारी 3D में इस तरह से दिखाई दे रही है, रिवर हमारी आ रही है, ये हमारे बंद बने हुए हैं मार्जिनल। तो ये हमारा 3D डायग्राम था जो आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब देखें यहाँ पर वेरियस पर्पज़ की अगर बात करें डायवर्जन हेडवर्क्स का वेरियस पर्पज़ क्या है, तो एक तो हमारा पर्पज यही हो गया कि रिवर के वाटर को कैनाल में डाइवर्ट करना, एक तो हमारा ये पर्पज हुआ। तो यहां पर हम बात करेंगे रिवर वाटर को, रिवर वाटर को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जितनी जरूरत होगी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में कैनाल में डाइवर्ट करना, कैनाल में डाइवर्ट करना, एक तो हमारा ये हो गया करना। उसके बाद अगर आगे बात करें और क्या है देखें कैनाल में जो हमारी सिल्ट जाती है वो क्या कर देते हैं सिल्ट एक्सक्लूडर द्वारा हम क्या करते हैं, यानी कि डिवाइड बॉल एक शांत पानी का यहाँ पर पॉकेट बना देगी, वाटर पॉकेट बन जाएगा, तो सिल्टिंग हो जाएगी और सिल्टिंग होते ही हमारी सिल्ट किस में चले सिल्ट एक्सक्लूडर में। तो सिल्ट एक्सक्लूडर क्या काम कर रहे हैं कैनाल में सिल्ट जाने से रोकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कैनाल वाटर में सिल्ट जाने से रोकते हैं, रोकना, कैनाल वाटर कैनाल में सिल्ट जाने से रोकना, जाने से रोकना, ठीक है, यानी सिल्ट जाने से रोक रही है, यानी ये काम कर रहे हैं हमारे सिल्ट एक्सक्लूडर। और आगे बात करें अगर हम कैनाल में वाटर की क्वांटिटी पर कंट्रोल रखना, कैनाल में वाटर की क्वांटिटी पर कंट्रोल रखना यानी नियंत्रण रखना, ये हो गया हमारा वाटर क्वांटिटी कंट्रोल हो गया इन कैनाल। और आगे अगर हम बात करें और क्या कह सकते हैं इसमें, देखें यहाँ पर हमारी एक हम कह सकते हैं कि जो हमारे सिल्ट जो अपस्ट्रीम में है उसको डाउनस्ट्रीम में अंडर स्लुइस ला रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे अपस्ट्रीम की सिल्ट को डाउनस्ट्रीम में लाना। तो ये हमारे जो हमने जो वेरियस यहाँ पर हमने वर्क पढ़े इसके, तो वो हमारे वेरियस पर हमारे जो वर्क यानी जो हमारे पार्ट्स हैं इनके जो वर्क हैं वही वर्क हमारे क्या है इसके वेरियस पर्पज़ हैं डाइवर्जन हेडवर्क्स के, क्योंकि ये सारे पार्ट आखिर डाइवर्जन हेडवर्क्स के ही तो हैं। तो ये हमने देखा, इस डायग्राम को समझा, उम्मीद करता हूँ कि डायग्राम भी समझ में आया होगा, इसके कैनाल हेडवर्क्स क्या होते हैं, इसके पार्ट्स और के वेरियस पर्पज़ के बारे में आपको समझ में आया, कि जनरल इंट्रोडक्शन था। इसके आगे जो हम क्लास बनाएंगे वो डिटेल्ड क्लास बनाएंगे, डिवाइड वॉल की अलग, इसको सिल्ट
सिल्ट एक्सक्लूडर की अलग, सिल्ट इजेक्टर की अलग, अंडर सोलिस की अलग अलग क्लासेस इसकी डिटेल में हम बनाएंगे, उनको आप जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस आपको डायरेक्टली आपके यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।